धरवाद के पूर्वी चुंडी प्रखंड के संकरडी में 3 दिवसीय राष्ट्रीय स्वाभिमान प्रशिक्षण का कार्यक्रम किया गया। सबसे पहले विवेकानंद जी के चित्र पर दीप जलाकर श्रद्धांजलि दी गई। वहीं लोगों ने बताया कि व्यवस्था को लेकर सत्ता परिवर्तन होना जरूरी है, क्योंकि मूल रूप से व्यवस्था देश में पहले जो थी वही व्यवस्था आज भी है। इसके लिए क्या विचार किया जाए, क्यों व्यवस्था ब्रिटिश राज के समय में लागू था वही व्यवस्था आज भी चल रही है, वही व्यवस्था को लेकर प्रतिदिन परिवर्तन करना चाहते हैं। सर, वर्ग था, इसका लक्ष्य क्या था? इसका मूल लक्ष्य तो ये था, यहाँ 4 प्रांत के लोग इकट्ठा हुए राष्ट्रीय स्वाभिमान आंदोलन के बैनर तले जो कार्य करता है, इसका मूल लक्ष्य है व्यवस्था परिवर्तन के लिए। व्यवस्था जो है, जिसके बारे में अभी गोविंद जी बोल रहे थे कि सत्ता परिवर्तन होता रहा, लेकिन व्यवस्था वही है। इसलिए हमारी वो समस्याएं जो तब थी वो आज भी दिख रही हैं, तो इसमें परिवर्तन कैसे हो, इसके लिए चिंतन का क्रम चल रहा है, पूरे देश में वर्ग चल रहा है। और इसको करने के लिए 3 पहलू पर हम लोग काम करते हैं। एक तो है बौद्धिक पहलू, जिसका मतलब है कि हमें पढ़ना है, लिखना है, विचार करना है, चीज़ों को समझना है, समस्याओं को जानना है, इस राष्ट्र को भी जानना है, इसकी संस्कृति को भी जानना है। तो एक आंदोलन चला रहे हैं, इस आंदोलन का क्या उद्देश्य है? राष्ट्रीय स्वाभिमान आंदोलन गत 19 साल से भारत में 24 प्रांतों में सक्रियता से काम कर रहे हैं। ये जो हम मूल लक्ष्य जो रखा है, व्यवस्था में परिवर्तन लाना और प्रकृति केंद्रित आधारित विकास फिलॉसफी के आधार पर हम व्यवस्था में परिवर्तन लाना चाहते हैं। आज का व्यवस्था जो है, ब्रिटिश लोगों ने जो छोड़ के गए थे 1947 में हमको स्वतंत्र हस्तांतर करने का समय में, तो जो उन लोगों के लिए जो बनाया था उसी व्यवस्था में ही हम देश चला रहे हैं। देश के हिसाब से व्यवस्था रहना चाहिए, व्यवस्था का हिसाब से देश नहीं बना।